कोरोना से 20 गुना ज्यादा खतरनाक एक नई बीमारी दुनिया में दस्तक देने वाली है, जो लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ले सकती है। WHO ने इस बीमारी का नाम डिजीज एक्स रखा है। WHO के अनुसार आने वाले कुछ सालों में ये बीमारी किसी वायरस या फिर फंगस से फैल सकती है और हो सकता है कि किसी जानवर से भी इंसानों में ये फैल जाए। दिन ब दिन बढ़ रहे अर्बनाइजेशन की वजह से जानवरों की हैबिटेट खत्म होते जा रही है, जिसके चलते जानवर इंसानों के संपर्क में आ रहे हैं और अपने साथ ऐसी भयंकर भयानक बीमारियां ला रहे हैं। चिंता की बात यह है कि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं निकल पाया है और ना ही कोई वैक्सीन। ऐसे में इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स सभी संभावित उपाय ढूंढ रहे हैं। इंसानों की बढ़ती चाह की वजह से शहरीकरण बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। यानी इंसानों की बर्बादी के लिए इंसान खुद जिम्मेदार है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कहीं भी आईडी प्रूफ मांगने पर अगर आप भी आधार कार्ड ऐसे ही दे देते हैं तो सावधान हो जाइए, ये काफी महंगा पड़ सकता है। इससे आपकी आइडेंटिटी चुराई जा सकती है और आपके डेटा का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब इससे बचने के लिए हमेशा आईडी प्रूफ के तौर पर मास्क्ड आधार का इस्तेमाल करिएगा, जिसमें सिर्फ आधार नंबर के आखिरी 4 डिजिट ही दिखाई पड़ते हैं। मास्क्ड आधार बनाने के लिए UIDAI.in की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर माई आधार पर क्लिक करिए, इसके बाद डाउनलोड आधार पर क्लिक करिए। अब आधार नंबर, OTP और कैप्चा एंटर करिए। इसके बाद आपको डाउनलोड मास्क्ड आधार का ऑप्शन मिलेगा, उस पर ही क्लिक करके आप मास्क्ड आधार डाउनलोड कर सकते हैं। बस इसके बाद आपका मास्क्ड आधार तैयार हो गया। अब आप इसे कहीं भी आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल करिए बेझिझक। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी फ्रॉड से बच सके। क्या आप हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं? तो सुनिए, भारत में एक ऐसी रहस्यमय जगह है जहाँ के लोग अमर हैं, जहाँ समय थम जाता है। लेकिन अब समस्या यह है कि आज तक कोई भी आम इंसान उस जगह की एक्चुअल लोकेशन पता ही नहीं कर पाया है और जिसने जाना है वो वहाँ से कभी वापस नहीं आ पाया है। कौन सी है वो जगह और क्या है इसके पीछे का राज, चलिए जानते हैं। भारत में हिमालय की पहाड़ियों में मौजूद श्रृंगीला घाटी एक ऐसी घाटी है जिसके बारे में विष्णु पुराण में ये कहा गया है कि यहाँ पर भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा, जो धरती पर सतयुग की शुरुआत करेंगे। ऐसी मान्यता है कि इस घाटी की एक्चुअल लोकेशन वही इंसान जान सकता है जो अंतर मन से शुद्ध हो और आध्यात्मिक रूप से जागृत हो। तिब्बत भाषा की किताब काल विज्ञान में भी इसके बारे में लिखा गया है। कई चीनी और भारतीय पर्वतारोहियों ने इस जगह के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी इसे नहीं ढूंढ पाया है। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी यहाँ रहने वाले दिव्य ऋषि मुनि बिना किसी दुख और पीड़ा के अमृतत्व का वरदान पाकर सदियों से जिंदा है। क्या आप उस जगह पर जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जब वो कोलंबिया में पढ़ रही थी तो जहाँ वो रहती थी वहाँ पर एक पिज्जा शॉप थी, जहाँ से ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में वो सिर्फ पिज्जा पिज्जा और पिज्जा ही खाती थी, जिसकी वजह से उसका वजन बढ़ के 96 किलो हो गया था। लेकिन वो बॉलीवुड में टॉप एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन एक दिन अपने आप को देखते हुए कहा कि ऐसे शरीर के साथ कम से कम वो हीरोइन तो नहीं बन सकती। उसके बाद उसने सोचा कि शरीर का कुछ करना पड़ेगा। सो उस पिज्जा शॉप के पास एक विटामिन का शॉप था जहां से हेल्दी फूड मिलता था, तो उसने अपने फूड को पूरी तरह से चेंज कर दिया, कार्ब्स लेना कम कर दिया, कार्डियो करना शुरू किया और देखते ही देखते उसने अपना वजन घटा के 96 किलो से 48 किलो कर लिया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट सारा अली खान, जो आज के समय बॉलीवुड में मोस्ट इमर्जिंग सुपरस्टार्स में से एक है। पर आप क्या जानते हैं कि सारा अली खान के इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज है विल पावर। अगर आप एक बार किसी चीज को अंदर से ठान लो तो फिर आपको उस चीज को करने से कोई रोक नहीं सकता। क्या आप में वो विल पावर है?